सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 1 सितंबर से विद्यालय खुलने पर हमें क्या क्या कार्य करने हैं, बेसलाइन आकलन हमें कैसे करना है और आकलन प्रपत्र में आपको बच्चों के अंक नहीं भरने हैं, ए और बी भरना है और 0 और 1 भरना है। तो ये देखेंगे हम कौन से आकलन प्रपत्र में आप ए बी लिखेंगे और कौन से आकलन प्रपत्र में आप 0 और 1 लिखेंगे। आकलन टूल्स का प्रयोग आपको कहाँ से करना है, क्या आकलन टूल्स आपको बनाने हैं या कहीं से मिलेंगे, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। और मैं आपको भरे हुए प्रपत्र भी दिखाऊंगा जिनसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको आकलन प्रपत्र कैसे भरने हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है और कैसे आप बच्चों का रिकॉर्ड सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों के ग्रुप बना सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखो, बच्चों का भाषा और गणित का आकलन कैसे करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे बेसलाइन आकलन हमें कैसे करना है, पहले हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, PDF में आपको आकलन टूल्स का डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आकलन टूल्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। भाषा का आकलन और भरे हुए आकलन प्रपत्र देख पाओगे आप यहाँ से। अब ये देख लेते हैं हम। देखो, भाषा का आकलन कैसे करना है, पहले तो ये समझो कि हमारे पास 3 समृद्ध मॉड्यूल हैं भाषा के, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। तो क्लास 1 में स्तर 1 का समृद्ध मॉड्यूल चलेगा, क्लास 1 में स्तर 1 का समृद्ध मॉड्यूल चलेगा और 2-3 में स्तर 2 का चलेगा और 3 और 4-5 में स्तर 3 का चलेगा। अब ये देखिए, आपको आकलन कैसे करना है, 2 और 3 में बेसलाइन आकलन होगा और 2 समूह बनेंगे। 2 और 3 के बच्चों का आकलन मुख्य रूप से शब्द पठन कार्ड के आधार पर होगा। यहाँ पर आपको आकलन किस से करना है, शब्द पठन कार्ड से करना है। तो ये शब्द पठन कार्ड समृद्ध मॉड्यूल में दिया हुआ है और ये जो आपको फ्लो चार्ट दिया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको शब्द पठन कार्ड पढ़वाना है बच्चों से, स्कोरिंग प्रपत्र भरना है, उसके बाद आप अंक देंगे और बच्चों का समूह निर्धारण करेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पर बच्चा है अमन, तो ये शब्दों को पढ़ रहा है, घर पढ़ लिया इसने, दूसरा शब्द भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया। तो जिन शब्दों को बच्चा पढ़ रहा है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और जिन शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है या अटक रहा है पढ़ने में, उनके नीचे हम 0 लिखेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 और 0 लिखा है। अब आप क्या करेंगे, सारे 1 को काउंट कर लेंगे तो इसका स्कोर आया 11। तो हमने इसके आगे लिखा स्तर 2, 11 पे ये स्तर 2 में हैं। अब हम देख लेते हैं आगे, यहाँ पर दिया हुआ है जो बच्चे 10 या उससे कम शब्द पढ़ पाते हैं तो उन्हें स्तर 1 में रखना है और जो बच्चे 11 और इससे अधिक शब्द पढ़ पाते हैं उन्हें हम स्तर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जिन बच्चों के 10 या उससे कम नंबर आएंगे उन्हें आप स्तर 1 में रखेंगे और जिन बच्चों के 11 या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे उन्हें आप स्तर 2 में रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप स्कोरिंग प्रपत्र में सारी चीज़ें भर लेंगे कि कौन से बच्चे को कितना स्कोर मिल रहा है। और देखो, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो बच्चा पहले और दूसरे शब्द पढ़ने में ही अटक रहा है तो आप उसको आगे नहीं पढ़ाएंगे। देखो, कक्षा 4 और 5 में बेसलाइन आकलन होगा और 2 समूह बनेंगे और 4-5 के बच्चों का जो आकलन होगा वो मुख्य रूप से पाठ कार्ड के आधार पर होगा। स्तर 1 के साथ वर्ण मात्रा और शब्द पर काम करना है और स्तर 2 के साथ सरल पाठ स्तर पर कार्य करना है। तो ये बाद की चीज़ है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब ये देखें, फ्लो चार्ट में यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आपको पहले पाठ कार्ड पढ़वाना है, फिर आपको स्कोरिंग प्रपत्र भरना है और उसके बाद आप समूह निर्धारण करेंगे। अब ये देखिए, पाठ कार्ड है, रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे, तो आप ये पाठ कार्ड बच्चों से पढ़वाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाते हैं, 2 और 3 में 10 था और यहाँ पे 15 है, तो उसे आप स्तर 1 में रखेंगे और जो बच्चे 16 और उससे अधिक शब्द पढ़ पाते हैं उन्हें आप स्तर 2 में रखेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये 4 और 5 का हो गया। अब आप यहाँ पर ये स्कोरिंग प्रपत्र देखिए, ये बच्चा है मुकेश, ये क्लास 4 का है और इसने देखो रोहित सही पढ़ लिया, घर सही पढ़ लिया,
तो ये देखिए इसका स्कोर आया 23, तो हमने इसको रखा स्तर दो में। और अब ये देखिए दूसरा बच्चा है लव, ये भी क्लास फोर्थ का है। अब ये ना तो रोहित पढ़ पाया, न घर पढ़ पाया, न के पढ़ पाया, तो हम इसको अब आगे शब्द नहीं पढ़ पाएंगे। और हमने इसको स्तर एक में रखा है। और ये देखिए मोहन है, इस क्लास फाइव का है और इसका स्कोर आया है 25, तो हम इसे स्तर दो में रखेंगे। तो आप इस तरीके से भाषा का आकलन करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ वीडियो के लिंक दे रखे हैं, जैसे गणित का बेसलाइन आकलन कैसे करें, तो आप यहाँ पर अगर वीडियो देखना चाहें तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, समृद्ध मॉड्यूल से आपको कैसे पढ़ाना है। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर आपको रजिस्टर नहीं बनाना है, रजिस्टर आप नहीं बनाएंगे, इन चीज़ों को आप डायरी में लिखेंगे, क्योंकि डायरी आप प्रॉपर भर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को आप डायरी में लिखें, इनके लिए आपको अलग से कोई भी रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गणित का आकलन देखते हैं। अब ये देखिए गणित के भी तीन समृद्ध मॉड्यूल हैं, स्तर एक, स्तर दो और स्तर तीन। पहले आप आकलन टूल्स देख लीजिए, ये देखिए ये स्तर एक का आकलन टूल है, ये स्तर एक का है, इसमें 5 प्रश्न हैं, ये आकलन प्रपत्र है इस आकलन टूल्स के आधार पर, और ये सतत आकलन प्रपत्र है। तो आप ये देख लीजिए, क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए दो आकलन टूल हैं, स्तर एक और स्तर दो। क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए दो आकलन टूल हैं, स्तर एक और स्तर दो। ये दोनों आकलन टूल आपको बच्चों से हल करवाने हैं, क्योंकि क्लास थर्ड और फोर्थ में आपको दो ग्रुप बनाने हैं, स्तर एक और स्तर दो। ये देखिए स्तर, ये आकलन प्रपत्र है, ये आकलन प्रपत्र आपको भरना है। और क्लास फिफ्थ में आपको तीन ग्रुप बनाने हैं, स्तर एक और स्तर दो और स्तर तीन। तो यहाँ पर तीन आकलन टूल हैं, ये देखिए स्तर एक, स्तर दो और स्तर तीन, यहाँ पर तीन आकलन टूल हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको इनका प्रिंट आउट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके प्रश्न जो हैं वो आप बोर्ड पर उतार दें, बच्चे बोर्ड पर देखकर इनको कर लेंगे। अब आपको ए और बी लिखना है, यहाँ पर जिस प्रश्न को बच्चे हल कर लेते हैं उस पर आप ए लिखेंगे, और जिसको हल नहीं कर पा रहे उस पर आप बी लिखेंगे। आप इस तरीके से भरेंगे इसको, ये देखिए स्तर एक, स्तर दो और स्तर तीन, ये आकलन प्रपत्र है स्तर एक, स्तर दो और स्तर तीन का। तो हम देखेंगे इन आकलन प्रपत्र को हमें कैसे भरना है और कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें बेसलाइन आकलन करना है। अब ये देखिए क्लास एक और दो में स्तर एक का समृद्ध मॉड्यूल चलेगा और बेसलाइन आकलन नहीं होगा, क्लास एक और दो में बेसलाइन आकलन नहीं होगा। क्लास तीन और चार में स्तर दो का समृद्ध मॉड्यूल चलेगा और बेसलाइन आकलन होगा, और आकलन टूल्स क्या रहेंगे, स्तर एक और स्तर दो। और क्लास पाँच में स्तर तीन का समृद्ध मॉड्यूल चलेगा और बेसलाइन आकलन होगा। अब ये देखिए समूह कैसे बनेंगे, क्लास एक और दो में एक ही समूह बनेगा और सभी बच्चे अपनी क्लास में ही बैठेंगे। क्लास थर्ड और फोर्थ में दो समूह बनेंगे, स्तर एक और स्तर दो। तो जो बच्चे स्तर एक के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे आप उन्हें स्तर एक में रखेंगे, और जो बच्चे स्तर एक के सभी प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं लेकिन दो के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें ग्रुप दो में रखेंगे, समूह दो में रखेंगे। इसी तरीके से क्लास फिफ्थ में आप करेंगे तीन समूह बनेंगे, जो बच्चे स्तर एक के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे तो उन्हें आप स्तर एक में रखेंगे, जो बच्चे स्तर एक के सभी प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं लेकिन दो के नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें स्तर दो में रखेंगे, और जो बच्चे स्तर एक और दो के कर ले रहे हैं तीन के नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें समूह तीन में रखेंगे। आप इस तरीके से समूह एक, समूह दो और समूह तीन में बच्चों को विभाजित करेंगे। यहाँ पर बच्चों को आपको अंक नहीं देने हैं, आप ए और बी लिखेंगे, जो बच्चे स्तर एक के आकलन टूल के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें समूह एक में रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर भरे हुए आकलन प्रपत्र देख लीजिए। अब ये देखिए अमित है, अमित को हमने स्तर एक का आकलन टूल दिया, तो ये स्तर एक के आकलन टूल में सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाया, तो अब आप इसे स्तर एक के समूह में रखेंगे, समूह एक में रखेंगे आप इसको। ये देखिए ये कासिम है, इसने स्तर एक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, स्तर दो के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, और स्तर तीन के कुछ प्रश्नों को हल कर पाया है और कुछ को नहीं कर पाया, तो अब हम इसे स्तर तीन में रखेंगे। हम इसे स्तर तीन
अब आपको आकलन टूल के आधार पर आकलन प्रपत्र भरना है। जो बच्चा दक्षताओं को हासिल कर लिया है वहाँ पर आप ए लिखेंगे, और जिस दक्षता को हासिल नहीं कर पाया है वहाँ पर आप बी लिखेंगे। अब ये देखिए संख्या पूर्व ज्ञान, ये अमित का अगर हम प्रश्न पत्र देखेंगे, आकलन टूल देखेंगे, तो संख्या पूर्व ज्ञान के प्रश्नों को हल नहीं कर पाया है। अब ये देखिए यहाँ पर स्तर एक में जो पहला प्रश्न है वो संख्या पूर्व ज्ञान का है, दूसरा गिनती का है। तो इस तरीके से जो स्तर एक की दक्षताएं हैं वही आकलन प्रपत्र में दे रखी हैं, आपको उन्हीं को भरना है। अब ये देखिए गिनती के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पाया है, तो अब ये देखिए आकलन टूल के आधार पर आप देखो स्तर एक में संख्या पूर्व ज्ञान बी लिखा, गिनती बी लिखा, और संख्या पैटर्न उसको भी बी लिखा हमने। इसी तरीके से अब ये देखिए कासिम स्तर एक और स्तर दो के सभी प्रश्नों को हल कर ले रहा है, तो हमने यहाँ पर सभी जगह ए ए लिख दिया है, और स्तर तीन के कुछ प्रश्नों को हल कर पा रहा है, तो जिनको हल कर पा रहा है वहाँ पर ए लिखेंगे और जिनको नहीं कर पा रहा है वहाँ पर बी लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अमित स्तर एक पर है, कासिम स्तर दो पर है, कासिम स्तर तीन पर है यहाँ पर ये देखिए, और ललित स्तर दो पर है। आप इस तरीके से आकलन टूल के आधार पर आकलन प्रपत्र भर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर समूह निर्धारण भी हो गया, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आकलन कर लेना है बच्चों का बेसलाइन आकलन, और उसके बाद आपको आकलन के बाद आपको समूह बना लेने हैं, और समूह बनाने के बाद आपको फिर अपने आगे की कार्ययोजना बनानी है। यहाँ पर आपको रजिस्टर नहीं बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी डायरी में कर सकते हैं, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है।